और जो ये इतनी जोर और शोर शोर से बातें करता है, बकवास करता है, आपने क्या जी किया अभी तक? क्या करते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को पकड़ के उसको बोलते लो हम तुम्हारी गर्दन दबा रहे हैं, ऑर्डर दे दो। जो रियलिटी है वो रियलिटी वो तो पता ही नहीं है, और अपनी जबान गंदी करता है। ऐसे चीजों ऐसे लोगों का आप इंटरव्यू पहले करना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को इंटरव्यू। इट इज अ लॉन्ग ड्रॉन मैटर, जिनको मालूम नहीं है कि अपनी जबान से क्या बात करनी चाहिए, क्या बेहुदा अल्फाज वो बाहर निकाल रहे हैं। है कोई आफ्टर ऑल यू हैव टू हैव सम सेंस किस तरह से बिहेव करना है। ये क्या बात ही बोल रहा है, गाली गलौज पे आना है सीधे, पता ही नहीं है केस का क्या है। केस 2018 से ये बैटल चल रहा है, 2018 से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। 5 अगस्त दूर की बात है, उसको ये मालूम भी नहीं होगा कि 2018 में हम क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट में, कश्मीर का कौन सा इशू लेके गए थे। ये बंदा आप जिसकी बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात मत कीजिए। जज्बात में हर कोई बोलता है, सीना फाड़ कर हाथ बजा कर, उससे क्या होता है। मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूँ, आपकी चैनल के माध्यम से होम मिनिस्टर से बात करना चाह रहा हूँ, क्या आप कोई यहाँ पर कब्जा करने आए हैं क्या? दैट इज द बिगेस्ट फेलियर यू आर हैविंग इन कश्मीर। झंडे दिल से लहराए जाते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं। ये इससे ज्यादा बढ़कर अनडेमोक्रेटिक चीज क्या हो सकती है? हिंदुस्तान में तो किसी स्टेट में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, कश्मीर में क्यों है भाई? कभी जम्मू कश्मीर के किसी बाशिंदे ने, कभी किसी कश्मीरी ने कभी तिरंगा का अपमान नहीं किया है, नेवर। और इज्जत से यहाँ तिरंगा लहराता है, इज्जत से लहराता था हमारे कश्मीर के जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ, जिसको आपने 5 अगस्त 2019 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटा दिया, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। इफ यू हैव टू यूज फोर्स एंड गवर्नमेंट टू फ्लाई फ्लैग्स ऑन पीपल्स होम्स, दैट इज द बिगेस्ट फेलियर यू आर हैविंग इन कश्मीर। नो यार, इट इज बिलो माई डिग्निटी टू टॉक अबाउट पीपल लाइक दैट, जिसको ये मालूम ही नहीं है कि 2018 से ये बैटल चल रहा है, 2018 से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हैं, 5 अगस्त दूर की बात है, उसको ये मालूम भी नहीं होगा कि 2018 में हम क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट में, कश्मीर का कौन सा इशू लेके गए थे, जब यहां पे 77th और 102nd अमेंडमेंट को यहां पे लाया गया, स्टेट में लाया गया विदाउट द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड विदाउट, क्योंकि उस वक्त असेंबली मुअत्तल थी। ये क्या बात कर रहे हैं, ही डज नॉट नो ABCD जो भी आप बात कर रहे हैं जिस चीज की। कल को जब ये आपका ये इशू उठेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने में, आज सब वो तमाम एप्लीकेशंस को क्लब किया गया है जितने भी लगी है वहां पर, ANC की है, NC की है, PDP की है, PC की है। और उसके पहले 2018 में जब फर्स्ट अटैक हुआ 370 और 35A पर, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था 370 आर्टिकल पर और 35A पर, तभी हम समझ गए थे कि हर किसी सियासी जमात को इकट्ठे होना चाहिए। और उस वक्त चूंकि असेंबली को सस्पेंशन में रखा गया था, हम उस वक्त एज सिविल सोसाइटी जो काम कर रही थी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 35A एंड 370, वो मैदान में उतरी थी और तमाम लीडरशिप के साथ हमने उसको बात की थी कि आप उठिए, इकट्ठे हो जाइए, अपना पॉलिटिकल बैगेज रखिए, क्योंकि अटैक 370 और 35A पर हो रहा है, BJP का ये उनका ये बाजाब्ता तौर पे प्लान है, इसको बचाने के लिए एक ही सूरत है कि यहाँ पर अपनी सरकार बनाई जाए। सो उसके लिए हमने जब ये एप्लीकेशंस दायर की, पेटिशंस दायर की, उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सुन के छोड़ दिया और उनको अब सुनना पड़ेगा वो, क्योंकि उन्हें वो सब क्लब कर दिया है। जो ही ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने में उठेगा, दे हैव टू हियर इट फ्रॉम 2018, और तब से जो उन्होंने गलत कार्रवाइयां हमारे गवर्नर ने यहां पे की, उन्होंने सारे पावर्स अपने लेजिस्लेचर के और गवर्नमेंट के अपने हाथ में ले लिए, विच इज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज द बेसिस ऑफ दिस केस। ये बंदा आप जिसकी बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात मत कीजिए। जज्बात में हर कोई बोलता है, सीना फाड़ कर हाथ बजा कर, उससे क्या होता है। जो रियलिटी है वो रियलिटी वो तो पता ही नहीं है, आपने क्या जी किया अभी तक, क्या करते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को पकड़ के उसको बोलते लो हम तुम्हारी गर्दन दबा रहे हैं, डायरेक्ट ऑर्डर दे दो। इट इज अ लॉन्ग ड्रॉन मैटर, उसके लिए सबको हम, और जो ये इतनी जोर जोर शोर शोर से बातें करता है, बकवास करता है और अपनी जबान गंदी करता है, ऐसे चीजों ऐसे लोगों का आप इंटरव्यू पहले करना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को इंटरव्यू, जिनको मालूम नहीं है कि अपनी जबान से क्या बात करनी चाहिए, क्या बेहुदा अल्फाज वो बाहर निकाल रहे हैं। है कोई आफ्टर ऑल यू हैव टू हैव सम सेंस कि क्या है, क्या करना है सर, किस तरह से बिहेव करना है। ये क्या बात ही बोल रहा है, गाली गलौज पे आना है सीधे, पता ही नहीं है केस का क्या है। केस सर, अगर ये
सच है, क्योंकि जो जहां तक तिरंगे का मामला है ये तो ऑर्डर है, अब तो नोडल ऑफिसर्स मुकर्रर किए गए हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज के, उनको इंश्योर करना है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। ये इससे ज्यादा बढ़कर अनडेमोक्रेटिक चीज क्या हो सकती है? हिंदुस्तान में तो किसी स्टेट में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, कश्मीर में क्यों है भाई? मैं अपने बीजेपी के सेंट्रल अथॉरिटी में प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, आपकी चैनल के माध्यम से होम मिनिस्टर से बात करना चाह रहा हूं कि जनाब ये बताइए, क्या आपको यहां पर ये लग रहा है कोई कब्जा करने आए हैं क्या? तिरंगा तो यहां पर 1947 से फ्लाई हो रहा है, उड़ रहा है यहां पर। कभी जम्मू कश्मीर के किसी बाशिंदे ने, कभी किसी कश्मीरी ने कभी तिरंगा का अपमान नहीं किया है, नेवर। और इज्जत से यहां तिरंगा क्या कहते हैं लहराता है, इज्जत से लहराता था हमारे कश्मीर के जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ, जिसको आपने 5 अगस्त 2019 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटा दिया, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है, आपने उसको हटा दिया। तो सर मैं इतना ही कहूं आपकी चैनल के थ्रू कि ये जो ऐसे ऑर्डर्स हैं, इससे तो आप बखूबी आज पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि आपकी जो कश्मीर की पॉलिसी है फेल है। इफ यू हैव टू यूज फोर्स एंड गवर्नमेंट टू फ्लाई फ्लैग्स ऑन पीपल्स होम्स, दैट इज द बिगेस्ट फेलियर यू आर हैविंग इन कश्मीर। झंडे दिल से लहराए जाते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं। सर, इस पे आप क्या कहेंगे?